असलामुअलैकुम संगियो दोस्तों प्रणाम प्रणाम क्या हाल ठीक हो उम्मीद करना बहुत चंगे हो सो भाई जी आने होने कि जिसले असली जिम्मेदार ना मौसम बचना ना कनक ना उस वेला उन्हें कि अपना होश हवाल नहीं होना पटवारी जरा कनक ना मौसम होना बड़ा ही बिजी होना और इसमें भी ये जिम्मेदार लोग बड़ा ही मसरूफ होने तुसा कि दसा जी कनक किस तरह ढोई ना किस तरह गठी करी ना इसी किस तरह कपड़े एंड इस तरह गाह किस तरह गाने तुसा कि सारी डिटेल सा दसा बहुत रोला दस ने भाजी लगना बस इयै स्टार्ट है भैया ओ भाई पूरे दो फेरे मारी है मैं भी गड्डी के बनी होना वो दूसरे घंटा हां जी ए वाह वाह जी वाह अभी की मशीन स्टार्ट है सब में स्टोर ना अकेला गिरा भाजी मशीन होनी कणक कटाई होनी पहले तो दराटियाँ यूज होनी लेकिन हूँ मशीन यूज होनी तो भाजी से मशीन कणक पनी इस तरीके ये दोस्तों दो तरह की कणक की कटाई होनी एक तो सिंपल जो तरीकाकार होना जो दराटियां लोग कपड़े और एक तरीकाकार होना दूआ होना कि मशीन जी है पहले पहले पटवारी जिस तरह ट्रेंड को नहीं सर लेकिन हूँ यहाँ किस तरह काफ़ी ट्रेंड हो गया लोग मशीन लाने ये मशीन की क्वालिटी यही है कि भाई जी गड्डिया बनी भी है कपड़ी भी है तो बड़ा फिट तरीकाकार जो किसान है काफ़ी उन्होंने वास्ते सहूलियात पैदा हो गई दुए अलफाज जिम्मेदारा बड़ा आसान हो गया हूँ इतना मुश्किल जिम्मेदारा नहीं रहा क्या कि हर चीज़ मकैनिकल होगी मशीनरी थ्रू हर चीज़ होनी पी तक अभी भाजी तक ये खास किस्म का धागा इसने लगा होना जरा गड्डी बनी सी दोस्तों मशीन होगी खराब भाई मशीन पे करने ठीक है तो मशीन होनी जिसने सड़ी गड्डिया कपड़े गड्डिया बनने क्या मैं कहना किसने मुश्किल या जहाँ ट्रैक्टर चलाई किन्ना है तो कोई पंज जना कण गठी तैयारी करना किसने भाजी जिम्मेदारी बड़ी होती है दोस्तों तुसा की अगली वीडियो में दसा इंशाल्लाह कि गाह किस तरह गाई ना क्या कुछ हिसाब कताब होना अल्लाह सुनने वाला है पाकिस्तान जिंदाबाद।